बिधूरी जी हैं तो विश्वास है, जिनका नाम ही उनकी पहचान है। एक सच्चे जनसेवक के रूप में उन्होंने बदरपुर विधानसभा की तस्वीर ही बदल दी। सिक्स लेन हाईवे देता है बिधूरी जी के काम की गारंटी, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ माननीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में। पर रमेश जी का लगातार पीछा इस काम के लिए होता रहा और आज एक प्रकार से रमेश बिधूरी जी के सपने की पूर्ति हो रही है। मैं उनको आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। छह लाइन की एक सड़क जो वहां से डीएनडीसी होकर कारंदी कुछ होती हुई जाएगी, जिसके लिए हम लाख बार कोशिश करते रहे, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में पैसा देना है और वो नहर के कैनाल के बराबर में सड़क बनानी है। गडकरी साहब ने मीटिंग बुलाई, सतेंद्र जैन का मिनिस्टर आया, कहकर गया मेरे पास 10,000 करोड़ रुपया है 2016-17 के अंदर, लेकिन 2 वर्ष तक जब कुछ भी नहीं किया तो गडकरी साहब ने कहा चिंता मत करो, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। और नेशनल हाईवे के रूप में 148A नेशनल हाईवे क्रिएट करने के बाद और उसके अंदर आज पलवल मानेसर कुंडली रोड तक मिलाने के लिए 59 किलोमीटर लंबर 6 लाइन का वो सड़क बनाया जा रहा है। इस प्रकार की चीजों से लोग 20 वर्ष तक लगातार जूझते रहे, कभी प्रयास नहीं किया। मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी का सांसद रमेश बिधूरी के रूप में आपने आशीर्वाद देकर बनाया तो ये मुमकिन हो पाया। आगरा कैनाल रोड ने दिया बदरपुर और दिल्ली वासियों को एक ऐसा तोहफा जिससे आना जाना होगा आसान। मीठापुर गोल चक्कर जो हमेशा बनता था जाम की वजह, आज उसे कर दिया है जाम फ्री। इसका सौंदर्यीकरण भी रमेश बिधूरी जी के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। बिधूरी जी के संघर्षों को बयां करता है प्रस्तावित जैतपुर का मेट्रो, जो बदलेगा इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को। जहां तक दक्षिणी दिल्ली की बात है, मेट्रो को चौथे चरण में एक भाग बदरपुर से एरोसिटी का है, जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा को कवर करेगा। इस मेट्रो योजना से दक्षिणी दिल्ली की लगभग 35 लाख आबादी के साथ साथ फरीदाबाद बॉर्डर से कापसेड़ा गुड़गांव बॉर्डर को जोड़ने का कार्य करेगा। यह लाइन लगभग 21-22 किलोमीटर लंबी है, जो मेरौली बदरपुर रोड की भयंकर समस्या से निजात दिलाने में सहायक होगी। इस मेट्रो को साकार करने के लिए बिधूरी जी ने कई स्तरों पर संघर्ष किया और ये कोशिश अब भी जारी है। मेरा ये संकल्प है, फोर्थ फेज की मेट्रो जब भी चलेगी वो जैतपुर कर बढ़कर आने के बाद चलेगी, जो वहाँ के लोग भी मेट्रो से अपने आप को कनेक्टिविटी देश के साथ में, नोएडा के साथ में, दिल्ली की राजधानी के साथ में जोड़ सकें और मेट्रो को जैतपुर तक लाने के रूप में दिल्ली की तरफ, फरीदाबाद की तरफ, गाजियाबाद की तरफ और दिल्ली की तरफ मेट्रो के माध्यम से लोगों को सुविधापूर्वक ट्रैफिक व्यवस्था से निजात मिलेगी। ये हमारा एक संकल्प है इस बात को लेकर आगे भविष्य में। 10 एकड़ का स्वामी विवेकानंद पार्क के निर्माण का कार्य जारी है, आने वाले समय में ये बढ़ाएंगे क्षेत्र की शोभा। हरियाणा सरकार की जमीन लगभग 10 एकड़ पड़ी थी वहां पर मीठापुर गांव के बराबर में, कैनाल के बराबर में, मुलर बंद के बराबर में 4-6 एकड़ जमीन पड़ी हुई थी। बदरपुर के अंदर डीडीए की जमीन पड़ी थी, जनता फ्लैट और बदरपुर के गांव के लोगों को जाना पड़ता था। एनटीपीसी के अंदर बेचारी औरतें, माता बहनें, गार्ड उनको धिक्कार किया करते थे, एनटीपीसी प्रीमिसेस में मत घुसिए, उनके पार्कों की चिंता नहीं की। 10 साल तक हरियाणा में सरकार कांग्रेस की रही, बूढ़ा चीफ मिनिस्टर थे, यहां पर शीला की सरकार 15 साल रही, केंद्र में मनमोहन की सरकार रही, हरियाणा में हमारी सरकार आई, दिल्ली में हम केंद्र में हैं, राज्य में नहीं होने के बाद भी हरियाणा की राज्य सरकार से वहां के मिनिस्टर किशन पाल जी के सहयोग से हमने वो जमीन ट्रांसफर कराकर और बदरपुर विधानसभा के क्षेत्रों के लिए एक मेगा पार्क बहुत बड़ा बन जाए बच्चों के खेलने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इसी प्रकार के नहर के बराबर में जो मुलर बंद के 4 एकड़ जमीन है उसको भी डेवलप करके पार्कों के रूप में दिया जाए। उसी प्रकार के बदरपुर के निवासियों की माता बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वहां पर डीडीए की जमीन को कमर्शियल लैंड को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करवाकर वहां पर पार्क का निर्माण कराया गया। यमुना नदी के किनारे ओजोन इलाके के लिए भी बिधूरी जी ने कई स्तरों पर कोशिशें की। यमुना नदी फ्रंट एरिया को जोन ओ में रखा गया है। जोन ओ क्षेत्र उस एरिया को कहा जाता है जो यमुना नदी के आसपास बसे हैं। जोन ओ में पड़ने वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण व मरम्मत का कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इस जोन में लगभग 10 से 12 गांवों की जमीन आती है, जिसमें सादतपुर, जगतपुर, हरिनगर, मीठापुर, जैतपुर, मदनपुर, सोनिया विहार इत्यादि। 29 मार्च 2006 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नदी से 300 मीटर तक निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए, परंतु डीडीए ने जब मास्टर प्लान बनाया तो सीमा को 6 किलोमीटर कर दिया। उस रेंज में रहने वाले जो लोग 2006 मास्टर प्लान से पहले 7 से बने हुए हैं, उन गरीब लोगों को वहां वो रिपेयर करते हैं, मकान बनाते हैं तो उनको रोका जाता है। डिस्पेंसरी, स्कूल आदि की भी सुविधा सरकार वहां उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जो नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। सुविधा इसके कारण से वहां मरम्मत के कार्य पर रोक अगर कोई करते हैं तो सरकारी अधिकारी
जो आप जानते हैं सुविधा शुल्क उन गरीबों को देना पड़ेगा वरना उनके काम रोका जाएगा। जबकि सरकार ने वहीं पर मदनपुर खादर में पुनर्वास के नाम से जगह दी हुई है जहां पर निर्माण सरकार ने कराया है वहीं नियमित कॉलोनी के मकान बने, राष्ट्रीय मंडल खेल के नाम से खेल गांव बना हुआ है, दिल्ली सचिवालय बना हुआ है। ऐसे भवन तो सरकार बना रही है लेकिन जो हजार वर्ष पहले गांव है मीठापुर जैतपुर हरिनगर उस क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर तक भी जमुना से जो दूर है वहां ओ जोन के नाम से उसे तंग किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार यूडी मिनिस्ट्री से निवेदन है कि उस एरिया को जो 300 मीटर से बाहर है उसको एच जोन में डाला जाए ताकि वहां के लोगों का शोषण रोका जाए और उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिधूड़ी जी हैं तो विश्वास है, ये तो बस शुरुआत है।